सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सप्रेस इंडिया न्यूज़ पे। तो आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो देखने वाले हैं भारत के बारे में, और जो हाल फिलहाल के मुद्दे चल रहे हैं उस पे काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल बातें हमें बताएंगे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए नई और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी भारत से ज्वाइन किया है मेजर गौरव आर्या ने। सब आप सब लोग जानते हैं सर को, हम अक्सर उनकी वीडियोस भी देखते रहते हैं और बातें भी उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्जु जी बुलाने के लिए। थैंक यू। मुझे सबसे पहले ये बताइए गौरव जी के, जैसा कि हमने देखा है कि सी पैक एक जो चल रहा है चाइना और पाकिस्तान का, उसके ऊपर कई बातें होती रहती है। बीच में ये भी कहा गया कि रोक दिया गया है, लेकिन इसी तरह का एक प्रोजेक्ट जो है वो हम देखते हैं कि इंडिया भी कर रहा है जिसमें ईरान भी शामिल है, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या ये आप एक कंपटीशन के तौर पर लेके भारत चल रहा है ताकि पाकिस्तान को कुछ टफ टाइम दिया जा सके? नहीं आरजू जी, ये आप शायद नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात कर रही हैं। रशिया में एमिनेट होता है और ईरान से लेकर भारत आता है बॉम्बे, बॉम्बे के पोर्ट में। आरजू जी, इसका पाकिस्तान से लेना देना तो जरूर है, पर ये इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान को टफ टाइम दिया जाए। इसका रीजन, इसके वजूहात कुछ और हैं। मैं कई बार ये कह चुका हूँ, आज मैं फिर आपकी शो पे दोहराता हूँ आरजू जी, कि जितना पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मुल्क है, शायद ही एक दो और मुल्क हों इस दुनिया में जिनकी उतनी अहमियत है जितनी पाकिस्तान की है। तो ये बात हम भी तस्लीम करते हैं भारत में, और बाकी दुनिया भी तस्लीम करती है। परेशानी ये है आरजू जी कि जब भारत ने पाकिस्तान से, कई साल से भारत ये कह रहा है कि हमें राहदारी दीजिए और हमें ट्रेड करनी है अफगानिस्तान से, हमें ट्रेड करनी है सेंट्रल एशिया से, तो आप हमें राहदारी दीजिए। फिर ये अटारी वागा का जो बॉर्डर है वहां से सामान जाएगा और ये ट्रक्स जाएंगे आपके सीधा अफगान बॉर्डर पे, तुरखम गेट या जो भी आपके और भी एरियाज हैं वहां पे जाएंगे और उसके बाद अफगानिस्तान ये चले जाएंगे। और ये मुश्किल से एक डेढ़ दिन का, दो दिन का भी सफर नहीं है, तो सस्ते में माल पहुंच जाएगा, अफगानिस्तान का बेनिफिट हो जाएगा, भारत भी अपना सामान भेज पाएगा। ये काफी टाइम से, तो इसमें पाकिस्तान की तरफ से बड़े ऑब्जेक्शन हैं अर्जु जी। पाकिस्तान ने बोला कि नहीं साहब, हम नहीं दे सकते, हम चेक करेंगे, अपने ट्रकों में डालेंगे, 10 किस्म की चीजें पाकिस्तान ने बोली। अब देखिए, बात यह है कि इंडिया को बहुत पहले पता लग गया था कि पाकिस्तान करने नहीं वाला है, और अगर पाकिस्तान करेगा भी है, अगर पाकिस्तान बाय द वे मान जाता है कि चलिए हम आपको राहदारी देते हैं, फिर वही चीज की अगर कोई चीज हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, फिर पाकिस्तान बंद कर देगा रास्ता। तो हमने बोला कि हमें पाकिस्तान, इसके दो तीन जो अगर हम मंसूबे कहें या फिर हम प्लानिंग कहें या फिर आइडियाज क्या थे, ये क्यों कराया गया, इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि भारत को राहदारी चाहिए थी, वो भारत ने ढूंढ ली, तो अब भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है अगर सेंट्रल एशिया जाना है। अब आप ये पूछेंगे, अगर भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है तो फिर जितना भी ये गंदम वगैरह जो गेहूं है जो भारत अफगानिस्तान भेजता है, फिर पाकिस्तान के थ्रू क्यों भेजता है? ईरान के थ्रू भेजे भाई आराम से, किसने रोका है? इसका भी यही आइडिया है कि हम भेज रहे हैं, देखिए आराम से हम भेज रहे हैं, जिसको ह्यूमैनिटेरियन एड कह सकते हैं हम लोग, हम ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं। अगर हम ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं और उसके ऊपर पाकिस्तान ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं साहब आप नहीं भेज सकते, और जैसे पाकिस्तान ने एक डेढ़ महीने तक वो गेहूं रुका के रखा, तो उसका इंप्रेशन दुनिया में क्या जाएगा? तालिबान, जिसको पाकिस्तान अपना बड़ा करीबी मानता है, आज भी मानता है, पता नहीं क्यों मानता है लेकिन मानता है, तालिबान पे क्या इंप्रेशन जाएगा? अफगानी लोग हैं उनके ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा? पूरी दुनिया के ऊपर क्या जाएगा कि एक मुल्क है जो मदद करना चाहता है, दूसरे मुल्क में भुखमरी हो रही है, लेकिन बीच में जो एक मुल्क है दैट इज प्लेइंग अ स्पॉइलर एंड दैट इज सेइंग कि नहीं आप नहीं ले जा सकते, हम आपको परमिट नहीं करेंगे, वरना हमें ये चाहिए, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की चीजें। तो इंडिया ने अपनी राहदारी ईरान के थ्रू निकाल ली, अरबों डॉलर हमने चाबहार पोर्ट में हमने इन्वेस्ट करे थे आरजू जी, फिर हमने वो जरदान रेलवे लाइन है हमने उसके ऊपर बातचीत करी, और वो भी हमने काफी हद तक काम आगे बढ़ा दिया, और रशिया से बातचीत करके सब कुछ हम लोगों ने कर दिया। तो हमारे लिए कॉरिडोर तैयार हो गई, जहां पे 40 एक दिन लगते थे, अब 23-24 दिन में, 22 दिन में सब कुछ मामला निपटा जाएगा उसमें। एक तो ये बात है, दूसरा जो इसमें आइडिया ये था कि हमारा ये मानना है, इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का अर्जु जी ये मानना है कि
अमेरिका चला गया, अमेरिका जा चुका है अफगानिस्तान से, तो अभी अफगानिस्तान में एक वैक्यूम है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई सुपर पावर वापस अफगानिस्तान आएगा, या अमेरिका अपने आप से आएगा, अमेरिका यूरोप से मिलकर आएगा, क्योंकि समुद्री रास्ते से, जो समुद्र का रास्ता है, वहां से रूस को आने की जरूरत नहीं है। रूस तो ऊपर से आएगा, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के थ्रू, चाइना वाखान कॉरिडोर से आएगा या पाकिस्तान के थ्रू आएगा। सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिनको अगर सेंट्रल एशिया जाना है, अगर अफगानिस्तान जाना है, तो वो समुद्र के रास्ते से आती है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि आज नहीं तो आज से 5 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद, जब ईरान को हम मेन स्ट्रीम कर चुके होंगे, और इसके ऊपर से इंडिया काफी मेहनत कर रहा है, जब ईरान को मेन स्ट्रीम कर चुके होंगे, तो हम दुनिया से बोलेंगे कि ये रास्ता हम भी इस्तेमाल करते हैं, आप भी इस्तेमाल करिए, हम भी इस्तेमाल करते हैं ये रास्ता, आप भी इस्तेमाल करिए, और आप इसको बेसिकली जैसा मैंने आपको बोला, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसके न्यूक्लियर हथियार नहीं है, उसके न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और यह बात कि पाकिस्तान का बॉर्डर अर्जुजी मिलता है अफगानिस्तान से, वो इंडिया नलिफाई कर चुका है काफी हद तक, और इंडिया इतना कॉन्फिडेंस दे देगा वेस्टर्न वर्ल्ड को कि चिंता मत करिए, फिक्र मत करिए, आपके ईरान के साथ अगर रिश्ते खराब हैं तो उनको भी हम मेन स्ट्रीम करेंगे, ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है, अगर आपको उससे परेशानी है, उसको भी हम ठीक ठाक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए हमारी ईरान से भी बनती है, हमारी रूस से भी बनती है, चाइना के साथ अगर बनती नहीं तो ट्रेड बहुत जबरदस्त है, 125 अरब डॉलर की ट्रेड है, अमेरिका से हमारी बनती है, इसराइल से हमारी बनती है, यूएई से हमारी बनती है, सऊदी अरेबिया से हमारी बनती है, दोस्तों हमारे हर जगह हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें दोस्तों को टेबल पर बैठाना है, और ये इंडिया पीछे से कर रहा है। ईरान मेन स्ट्रीम होगा, जिस दिन ईरान मेन स्ट्रीम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, फिर पाकिस्तान की दुनिया को जरूरत नहीं पड़ेगी आरजू जी, नो बडी विल बॉदर की, क्योंकि पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं आरजू जी, इट इज नॉट दैट कि पाकिस्तान को आईटी हब है, या पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब है, या पाकिस्तान कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हब है। ये इतने डॉलर जो बाहर से आते हैं पाकिस्तान, जो अमेरिका देता है, क्यों देता है? राहदारी के लिए, सिर्फ एक राहदारी के लिए। चीन इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है पाकिस्तान में? कई पाकिस्तानी कहते हैं हमारा दोस्त है। दोस्त कोई नहीं होता फॉरेन अफेयर्स में, जियो पॉलिटिक्स में, नेशनल सिक्योरिटी में, दोस्त नहीं होते, ये तो डिप्लोमेसी है, इसमें तो मफाद होते हैं मुल्क के। चाइना का क्या मफाद है पाकिस्तान को लेकर? यह पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा कि चाइना अगर हमें पैसे दे रहा है या पैसे लगा रहा है, क्यों, उसकी क्या वजूहत है? मैं कई बार इंटरव्यूज देखता हूं कि जी चाइना तो हमारा दोस्त है इसलिए कर रहा है, तो ये पता नहीं, या तो भोले बहुत हैं लोग, मासूम बहुत हैं, या समझना नहीं चाहते, या उनको लगता है कि बुरी खबर जब तक अपने से दूर रखें तो ज्यादा अच्छा है, वरना दिमाग पर असर पड़ेगा, कुछ होगा जिसकी वजह से लोग कहते हैं चाइना दोस्त है। दोस्त तो कोई भी नहीं होता, दोस्त हमारा अमेरिका नहीं है, हम स्ट्रेटेजिक अलाय हैं अमेरिका के, अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। हमें पता है जिस दिन भारत फंसेगा, भगवान ना करे फंसे, जिस दिन भारत फंसेगा, भारत को अपनी लड़ाई अकेले लड़नी पड़ेगी। We'll have to fight our wars alone. Every country is alone. इस दुनिया में हर एक मुल्क अकेला है आरजू जी, कोई किसी के साथ नहीं आता, कोई किसी का सगा नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा है कि कंट्रीज आपस में जो है वो बिजनेस के तौर पे आपस में मिली होती हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई किसी का दोस्त है या कोई किसी का भाई है या कुछ है, लेकिन खैर ये हमारे एक रिवाज है, कहा जाता है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के साथ चाइना भी अपने टर्म्स काफी आगे तक ले जाने के मूड में नजर आ रहा है, और अगर ईरान और चाइना की आपस में ज्यादा अच्छी बन गई तो फिर भारत का क्या होगा? मतलब जाहिर आपके लिए तो फिर प्रॉब्लम्स ही क्रिएट हो जाएंगी कि चाइना जो है वो ईरान को उड़ा ले गया। नहीं, ऐसे नहीं, देखिए ये फॉरेन अफेयर्स है, इसको पता नहीं, ये जो आप बात कह रही है ना, ये 2-3 और पाकिस्तानियों ने भी मुझसे बात करी है, और ये बात शायद मैं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिंपल ये कहता हूं कि पाकिस्तान में थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लव अफेयर और फॉरेन अफेयर के बीच में। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर ईरान में चीन भी आ गया और भारत भी आ गया तो चीन बोलेगा कि या तो हम रहेंगे या, क्यों, चीन पूरी दुनिया से ट्रेड करता है ना, चीन जो है वो पूरी दुनिया से ट्रेड करता है। क्या चीन ये बोल देगा कि नहीं तुम अमेरिका से ट्रेड नहीं, अगर ईरान मेन स्ट्रीम हो जाता है तो क्या चीन ये बोल देगा तुम अमेरिका से ट्रेड नहीं करोगे, तुम रशिया से नहीं करोगे, तुम जापान से नहीं करोगे? और क्या ईरान के लोग और ईरान की गवर्नमेंट अपने आप को बेच थोड़ा ना रही है चीन को? दे आर सेइंग कि आप ट्रेड करिए हमारे साथ, आप मुआवजा करिए हमारे साथ, क्योंकि जो आरजू जी व्यापार होता है वो सबके साथ होता है। आप देखिए, जो आप सब्जी मंडी अगर कभी गए होंगे, या फिर आप देखते हैं कभी सब्जी आप खरीदने जाएंगी, तो वहां पे
खरीदार भी बहुत होती हैं, दुकानें भी बहुत, ऐसा कभी नहीं होता कि 1000 खरीदार हैं लेकिन एक ही दुकान है, या फिर हजारों दुकानें और एक ही खरीदार है, ऐसा कभी नहीं होता। हर समय ऐसा होता है कि हजारों दुकानें भी होंगी, हजारों खरीदार भी होंगे, लाखों खरीदार होंगे। ये तो मंडी है, ये जो दुनिया है एक मंडी है, यहां पे लोग जाएंगे। कुछ ईरान सबसे बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा, और एक और चीज है चाइना के साथ जो सबसे बुरा, जो चाइना की ब्रांड वैल्यू अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। आपने देखा श्रीलंका में किस तरीके से आग लगी है, ठीक है, आप पाकिस्तान में रहती हैं अर्जु जी, आपने खुद देखा है कि पाकिस्तान में कितनी मुश्किलात हैं बिकॉज ऑफ चाइना। एंड ये सब अगर हम ये सोचते हैं कि ईरानियन ये सब देख नहीं रहे, तो वो सब देख रहे हैं, दे आर लुकिंग एट एवरीथिंग। अब लोग तभी पैसा लेते हैं चाइना से जब उनको और कोई नहीं देता। चाइना से तभी पैसा कोई लेता है कि यहां तक पानी आ गया और सब दुनिया ने मना कर दिया, अब चाइना के पास जाओ। क्योंकि जब चाइना आपको पैसे, चाइना इज अ लोन शार्क जैसे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, और तारिक फतेह की नॉलेज से आपकी नॉलेज भी बढ़ी होगी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियोस लाते रहें। तो अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।